बेटर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर संतोष, महाराष्ट्र से। बिल्कुल, आप कहाँ है महाराष्ट्र से आपका? मतलब सतारा। अच्छा, तो ये बिल्कुल मेन उसमें है मतलब, या फिर कोई बाहर है मतलब, क्या है मतलब, मुंबई से आसपास है या कोई ऐसा ही है? एक जिला है कि क्या है? जिला है, 200 किलोमीटर। वहाँ कैसा काम आता है, क्या वर्क आता है वहाँ पर? मैं 6-7 साल से काम कर रहा था। आपकी ऑलरेडी शॉप है? ऑलरेडी शॉप है, लेकिन जो बेसिक लेवल का काम है वही करता था। आपको मैं आपकी वीडियो वगैरह देख कर, आपको फॉलो करके जो भी है मतलब जो बेसिक चीजें है वो करता था, लेकिन जो ऐसे लेवल का काम है जो मैं नहीं कर पाता था वो दूसरे दुकान पे दिया, तो एक हफ्ता 15 दिन वैसे लटका के देता था, अपने हिसाब से देता था। तो अब यहाँ आने के बाद मैं कोई भी पावर आईसी हो, सीपीयू हो, या एमएमसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लैक पेस्टेड भी व्हाइट पेस्टेड भी, डेली किया है ब्लैक पेस्टेड पे काम? हाँ डेली किया है, सर ने बताया था, एमडी सर ने बताया था, तो 10 बोर्ड ब्लैक पेस्टेड वाले लेके आया था मैं। अरे वाह, रोज एक सर बोलते थे, रोज एक निकालने को और बिठाने को। तो कॉन्फिडेंस कैसा रहा? अब बताओ, अब आप दूसरों से लोगे कि अभी भी दूसरों को? आप दूसरे दुकानदारों की रिपेयरिंग मैं खुद करके दूंगा। बिल्कुल, और आपका नाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ा होगा, मैं सच बता रहा हूँ। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यह बताओ, सिर्फ सीखने से होता है क्या? नहीं, यहाँ से जाने के बाद मुझे कम से कम 1 साल तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, है ना? अगर मैं स्कीमेटिक की बात करूं, सॉफ्टवेयर की बात करूं, या ओवरऑल एक बताओ, नया स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करे यहाँ पर? क्योंकि पहले मैं भी यूट्यूब को देख के सॉफ्टवेयर करता था, लेकिन ऐसे करता था 81 या मतलब कंपनी वाइज करता था। यहाँ सर ने बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी वाइज नहीं होता, वो खाली पांच स्टेप में रहता है, मतलब एमटेक है, क्वालकॉम, ऐसे जो मतलब कोई भी चीज जितना मतलब क्रिटिकल लगती है उतनी होती नहीं है, वो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला। तो अब नए स्टूडेंट आएंगे वहाँ पे खाली यूट्यूब देख के काम करेंगे, तो वैसे ही जितना चल रहा है उतना ही कर सकते, बढ़ेंगे कभी नहीं। तो यहाँ आने के बाद जो अब तक मतलब जो 2 साल में वो सीखेंगे, वो यहाँ आने के बाद 1 महीने में ही सीख सकते, और उसके बाद अपडेट होंगे। यहाँ आपको ये पता चलेगा कि ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या करना है, और किसी दुकान वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दुकान वाले के बाद हम तब जाते हैं जब हमको, या तो चलो कई लोग को आईसी निकालना लगाना आ जाता है पावर, पर वो सीपीयू नहीं कर पाते, फिर उसके लिए दुकान वाले को देते हैं, कई लोग ब्लैक पेस्टेड नहीं कर पाते। आपने यहाँ सब किया आपने। दूसरी बात की कोई भी आईसी निकाल रहा है या कोई भी चीज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्यों कर रहे हैं उसका रीजन पता नहीं होता। यहाँ आने के बाद वो रीजन पता चला कि यार ये चीज कर रहे हैं तो क्यों करना है। अच्छा मुझे बताओ, इस बोर्ड में अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट गया, दिखाइए, इस बोर्ड में अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट गया ये, और उसके बाद ये कैपेसिटर निकाल दिया, अब शॉर्टिंग कहीं भी नहीं आ रही है, और रोजिन डाल के भी वोल्टेज चेक कर लिए, कुछ भी नहीं आ रहा, तो सर्किट डायग्राम से ढूंढ लोगे ये लाइन? ढूंढ लोगे ना कि ये लाइन कहाँ जा रही है, क्या नहीं जा रही है? बोर्ड न्यू है आपके पास? यूएफआई है आपके पास? क्यों यार यूएफआई हमने बोला आपसे परचेस करने को? हम तो ये भी बोल सकते थे कि घर जाके खरीद लेगा आराम से, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद लोग खरीद देंगे नहीं खरीदेंगे, या प्रैक्टिस होगी नहीं होगी वो पता नहीं। यहाँ तो आप डायरेक्ट करवा के लेते हैं, बिल्कुल यहाँ से बाद में एक एक स्टेप बताया जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सर प्रैक्टिकल करते हैं तो सर खुद बता देते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या करो। तो अब आप यूएफआई नहीं लाते, आप खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास यूएफआई नहीं होता, बोर्नियो नहीं होता, तो तुम मतलब क्या समझ में आता कि तुम्हारा नॉलेज में कितना स्ट्रेंड हुआ है, कितना बढ़े हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको मिस होती चीजें। तुम सोचते कि मेरे पास यूएफआई अगर या सर्किट डायग्राम होता तो मैं रात में बार चेक करता, कहीं कुछ फंसता तो मैं अगले दिन सर से पूछता कि सर ये चलाने में दिक्कत आ रही है, सर ये ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन कौन सा है, समझ में आ रहा है? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर दिखाइए क्लास, यहाँ पर आज हम ईएमसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे ईएमसी चेंज कर लेगा? बस नोट 6 प्रो की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम जो कर रहे हैं वो नोट 5 प्रो की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्लैक पेस्टेड काम, ठीक है। अभी हमारे ये देखिए, तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा, और वो कसम से अल्टीमेट होगा। तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है, बेसिकली टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के कितने बजे है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?